हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बैफ स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप कि यहाँ पे सब लोग क्लास में आना शुरू कर चुके होंगे। अब सबसे पहला जो काम होता है वो एक बार से ज़रा लिंक को कॉपी करो और जल्दी से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी सेशन में जुड़ पाएँ। अब वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, शुभम, शेखात, मानस, काजल, डोनाल्ड ट्रम्प, पवन, संदीप, रोहित, प्रधान काना, अतुल, सुजीत, मौसम, संदीप, चिंटू, प्रताप, अंकित, नितिन, गुड मॉर्निंग। तन्मय, जितेंद्र, भारत के, गुड मॉर्निंग। सना, दीपक, आंतु, सुशील, काजल, मानस, बसंत, आलोक, विकास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल, जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम लोग यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन पे पहुँच चुके हैं, तो कल है आपका सैटरडे। तो कल कौन से स्पेशल क्लासेस होने वाले हैं उसके बारे में भी हम आपको सेशन के लास्ट में बता देंगे, क्योंकि कल सैटरडे को आपको मालूम है 11 बजे का जो क्लास होता है वो आपका पूरा 1 घंटे का चलता है, और 9:30 बजे भी आप लोगों को एक क्लास मिलता है वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट या फिर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी हम आपको सेशन के लास्ट में बता देंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे सब लोग आना शुरू हो चुके होंगे। मुकेश, विनय, निशी, कुलवंत, धीरू, मनजीत, रामप्रीत, ओके, भावेंद्र, भूपेश, क्लिंटन, या तुम लोग एक तो इतने खतर आशीष, गुड मॉर्निंग। तुम इतने खतरनाक खतरनाक कभी कभी नाम रखते हो ना कि डर लगता है बोलने से पहले भी। वेल, सुबह 7 बजे आप लोगों का मेन करंट अफेयर का सेशन रहता है, और अभी ये जो आपको यहाँ पे सुबह 5 बजे सेशन मिलता है ये आपका स्टेट स्कीम्स है। स्टेट स्कीम्स कोशिश है मेरी जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसको कवर कर लिया जाए। उसके बाद यहाँ पर एक नई चीज़ भी आने वाली है। सुबह 5 बजे के टाइम स्लॉट की बात कर रहे हैं, आज आप लोगों को 8 बजे एक वीडियो मिलेगा, वो आपका बर्निंग इशू नहीं है, कुछ शेड्यूल है सुबह 5 बजे का और स्पेशल क्लास का, जिसको एक बार से सुन जरूर लीजिएगा। इसके अलावा 11 बजे आपका क्लास होता है इसी सेम चैनल पे, 8 बजे बर्निंग इशू, शाम में 5:45 बजे भी आपका बर्निंग इशू रहता है। वेल भैया सब आ गए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार से जल्दी से लिंक को शेयर कर दो और एक बार लाइक भी कर दो, इसको मैं भी शेयर कर देती हूँ, जितने लोग अभी भी नहीं उठ पाए हैं कम से कम उनकी तो नींद खुल जाएगी। चलिए, अच्छा तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की, क्योंकि आज देखो ना एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, तो यहाँ पे करते हैं इसकी शुरुआत। लिप्सा, सविता, सौभाग्य, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विनोद, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेशन के लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं तो उसको अटेंड करना मत भूलना। होता है ना कई बार आके बीच से भागने की जल्दी लगी होती है तो निकल लेते हो, ऐसा मत करना, क्योंकि आज कुछ अनाउंसमेंट्स हैं तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। वेल, सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसके बाद रहेगा आपका एमसीक्यू का पार्ट जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन होगा, और जितनी भी पुरानी न्यूज़ है अगर वो आपकी जुड़ी हुई होगी तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा आप लोगों का वन लाइनर का पार्ट, उसके बाद होगा स्टेट और कंट्री में हम लोग यहाँ पे यूएई को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो साथ में जैसे इसके बारे में हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे वहीं पर हम लोग इस कंट्री के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। लास्ट आपका जैसे कि हर दिन एक क्वेश्चन होता है, कल का वीडियो के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, अभी सुबह की बात है, तो उसमें किसी ने लिखा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्या नाम था, उन्होंने लिखा हुआ था कि मैम यूपीएससी का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो बेटा इट्स यूपीएससी, तो यूपीएससी में क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही होता है, इसीलिए आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर इन फ्यूचर कभी आपको लगता है कि हाँ यू कैन अटेम्प्ट फॉर द यूपीएससी, तो कम से कम आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि हाँ सवाल कैसा पूछा जाता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग अनिल, शालू, ओमकार, जाहिदा, शुभम, रेशमा, नितिन, अक्षय, यश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा, शिवम गर्ग, मोहन, पूनम, आदित्य, अजीत, तपस, विशाल, गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा भैया आप शुरुआत करते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थॉट से। एक्चुअली होता है क्या लाइफ में, कई बार हम लोग अपने लाइफ के जो गोल होते हैं ना वो एक दूसरे को देख के सेट कर लेते हैं। अच्छा मेरा जो फ्रेंड है वो ये कर रहा है तो मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्लॉज क्या होता है कि हमारे घर वाले हम लोग को फोर्स करते हैं कि यार लाइफ में यही करना है तुमको, किसी और चीज़ की तरफ देखना नहीं, जैसे कि 3 इडियट्स में था, है ना। तो यहाँ पे जो थॉट है ये आपको सिर्फ इतना बताता है कि अगर आप लाइफ में अपना कोई भी गोल सेलेक्ट करते हो, एनी गोल, वॉट एवर यू वुड लाइक टू, मतलब वो वैसा वाला है कि जो तुमको अच्छा लगता है तुम उसको चुनो, ठीक है। अब ये पहली चीज़ तो काफ़ी स्मार्टली होना चाहिए। स्मार्टली का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। हार्डवर्क तो हर कोई करता है, लेकिन अगर उस हार्डवर्क के साथ आपका स्मार्टवर्क अगर यूटिलाइज हो जाता है तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं।
नेक्स्ट है आपका मिजरेबल। अब गोल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जाके सीधे चंद्रमा को लेकर आना है धरती पे, ऐसा वाला गोल भी नहीं होना चाहिए। गोल जो हो वो कम से कम ऐसा हो कि आपको पता है कि हाँ आप कितना ज्यादा कैपेबल हो, आपके अचीव कर सकते हो कि नहीं अचीव कर सकते हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना गोल जो है वो हमेशा बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इट शुड बी अचीवेबल। ऐसा ना हो कि बोलने चंद्रमा को धरती पे ले आएंगे, सूरज से चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, तो ऐसा वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है टाइमली। अगर आप अपना कोई भी गोल सेलेक्ट करते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आप कुछ भी यहाँ पे कर लो यार, टाइम तो बर्बाद होना ही होना है। मुझसे पूछो है, मेरे साथ ऐसा होता है। अब जैसे कि शाम में कई बार तुम लोग को रिप्लाई कर रहे होते हैं टेलीग्राम पे, अब दिमाग में चल रहा होता है यार जल्दी से यहाँ पे रिप्लाई करना है, फिर मेरे को ये वाला काम करना है, फिर ये वाला काम करना है, और सोचते सोचते ही सारा टाइम निकल जाता है और वो काम नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन भी लाइफ में आती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार गोल फिक्स कर लिया है तो बस वो अपने आप अचीव हो जाएगा। नो, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है और टाइम मैनेजमेंट करना है। ये तीनों चीजें आपको हमेशा साथ में लेके चलनी है, ठीक है। चलो भैया, उम्मीद करते हैं सब आ चुके होंगे। कैसे कैसे तो नाम है यार तुम लोग के, शशि, अरिंदम, शुभम, श्रद्धा, विकास, मिस्टर थॉर, मीनू, विनोद, शुभम, जिंग पिंग इज हेयर, कुलदीप, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल, देखिए कल मैंने आप लोगों को जो सवाल दिया था वो मेरा क्वेश्चन ये था कि जितने भी अभी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उनके नाम आपको लिखने थे, तो काफी अच्छा सबका रिस्पॉन्स आया था, सबने पूरे पूरे यहाँ पे आंसर किए, वेरी गुड, वेल डन। अब यहाँ पे सबसे पहली एक चीज आपको बता देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इस बैच के बारे में। भाई देखो, जीएस अगर बेसिक से पढ़नी है, एसएससी हो, स्टेट लेवल है, डीआरडीओ है, रेलवे, या फिर एनडीए या सीडीएस है, ये बैच देखो शुरू होने जा रहा है 15 तारीख से। फिर से बोल रहे हैं 15 तारीख से बैच शुरू होगा, जिसमें कंप्लीट जीएस हम आपको पढ़ाएंगे और उसके साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये भी आपको मिल जाएगा। मतलब आपको 10 जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। और इसके लिए आपको कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति 10। आज का जो आपका स्पेशल क्लास रहेगा वो रात में 9 बजे है। आज आपको 8 बजे क्लास नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक की जो पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है कि भैया कैसे क्या पढ़ाना है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए था, तो मैंने आज 8 बजे कोई लेक्चर जो है वो नहीं रखा, ठीक है। चले भाई, पंकज गुड मॉर्निंग, संजय गुड मॉर्निंग। अरे यार तुम लोग ऐसे मत बोला करो कि मैम डिसलाइक करूंगा क्योंकि आप मेरा नाम नहीं लेती, ये कौन सा तरीका है? डिसलाइक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग थोड़ी ना करनी होती है। चलो अच्छा, सबसे पहली न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब यहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इंद्रजीत, गुड मॉर्निंग सत्यम, अक्षय, हिमांशु, गुड मॉर्निंग गौरव, ठीक है, स्वीटी, गुड मॉर्निंग जे एस, पलब, सोनी, सचिन, पलब। चलो भैया पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले न्यूज, नेपाल ब्लैक्स आउट इंडियन न्यूज चैनल। अब देखो नेपाल में हुआ क्या, नेपाल के अंदर इंडिया के जितने भी न्यूज चैनल हैं सबके ऊपर पूरी तरीके से लगा दिया गया है बैन। आपको ये चीज़ तो पता ही है कि इंडिया के अंदर अभी क्या हुआ था, 59 जो ऐप हैं चाइना के उनके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगाया गया, लेकिन यहाँ की तो कहानी बिल्कुल ही अलग हो गई। यहाँ तो नेपाल ने इंडिया के जितने न्यूज़ चैनल थे सबके ऊपर बैन लगा दिया। अब दिमाग में ये आएगा कि यार ऐसा किया क्यों, ये केपी शर्मा ओली जी को हो क्या गया अचानक से? अभी तो इंडिया ने कहा था कि हम काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अचानक से क्या हुआ? देखो यहाँ पे इस कहानी को तो समझो कि कहानी में हुआ क्या। तो गला भगवान को जो प्यारा होना शुरू होता है ना कभी कभी। देखिए नेपाल की जब हम बात करें तो इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं वो तो खराब हो ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ चाइना जो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था नेपाल को, उसके चलते नेपाल के रिलेशंस जो हैं वो इंडिया के साथ भी खराब होना शुरू हो गए, जिसके चलते नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया जिसमें उत्तराखंड की 3 जगह जो थी इन्होंने अपने मैप के अंदर दिखा डाली, जिसमें से आपको लिपू लेक और काला पानी नाम की जो जगह है वो भी इन्होंने अपने मैप में दिखा दी। चलो ठीक है, बात समझ में आती है। अब क्या हुआ, इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करें और कुछ इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे शुरू किया जाए। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि यहाँ पे ये जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, जो मंदिर बना हुआ है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम पैसा खर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो स्कूल बना हुआ है नेपाल के अंदर उसके उस पर भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया। तीसरा इन्होंने बोला कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम हर एक पूरी कोशिश करेंगे, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, आपने इतना काम बोल तो दिया, लेकिन अब हुआ क्या, अचानक से क्या हो गया जो इतना बड़ा यहाँ पे डिसीजन लिया गया? देखिए हमारे यहाँ की जो मीडिया है ना, कई बार वो इस तरीके से रिएक्ट करती है कि वो बिल्कुल वैसे वाली कहानी हो जाती है कि वो जिनपिंग या फिर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं। हमारे यहाँ की मीडिया ने क्या किया है एक्चुअली, हम आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा देते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे आपको ये जो एक मैम नजर आ रही है ये कौन है, ये है एम्बेसडर, कहाँ की, चाइना की। ये चाइना के एम्बेसडर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है नेपाल के अंदर, इनका नाम भी आप देख सकते हैं, इनका नाम भी यहाँ पर मेंशन है।
हुआ क्या, यहाँ पे इंडिया के जितने भी मीडिया हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जितनी भी वैसे होते हैं ना, कई बार मिमिक्री भी करी जाती है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो केपी शर्मा ओली जी हैं वो अपना हर एक डिसीजन लेने से पहले इनसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया और वो शब्द यहाँ पे क्या है, हनी ट्रैप, या आई होप कि ये शब्द आप समझते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई कि केपी शर्मा ओली जी जो हैं वो आजकल इनके झांसे में चल रहे हैं, और जो भी चीज़ें ये करते हैं वो सारी चीज़ें इनसे पूछ के ही इनके द्वारा करी जाती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये चाइना के एम्बेसडर हैं तो ये कभी थोड़ी ना कहेंगे कि आप इंडिया के फेवर में काम करो। तो इंडिया ने ये ब्लेम जो है वो नेपाल के ऊपर डाल दिया कि नेपाल जो है वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या कर रहा है, चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनकी बातों को सुन के बिल्कुल कान के कच्चे हुए बैठे हुए हैं, और वो जो जो बोलती चली जा रही है मैडम, और यहाँ पे केपी शर्मा ओली जी उसको करते चले जा रहे हैं। वो सोच ही नहीं रहे कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। ऐसा जो ब्लेम है ये लगाया गया है इंडिया के मीडिया के द्वारा। भैया अब ये तो ऑब्वियस है, आप किसी कंट्री के पीएम के ऊपर इस तरीके से अगर ब्लेम लगाओगे, एविडेंसेस हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो किसी दूसरी कंट्री के पीएम है तो आपको यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के पीएम के ऊपर इतना बड़ा आप आरोप लगा दो। ठीक है, पॉइंट ये नहीं है, मैटर ये नहीं करता है कि यहाँ पे एविडेंसेस हैं कि नहीं है, पॉइंट मैटर ये करता है कि उनकी अपनी खुद की सोवरेनिटी है। जब आपने पंचशील नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया था, आपने कहा था नेपाल का कोई भी इंटरनल मैटर हो, जब आप इंटरनल मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे हो तो ये तो उनके पर्सनल लाइफ है यार, अगला इंसान क्या करता है क्या नहीं करता है उसमें इंडियन मीडिया को इन्वॉल्व होने का कोई लॉजिक नहीं था। बट हमारी जो मीडिया है वो अपने आप को आजकल बड़ा सुपर हीरो समझ रही है, उन्होंने ये हरकतें कर दी, और ये लोग उल्टा यहाँ पे इंडिया ने अपना पैर उठा के ही सीधे कुल्हाड़ी पे रख दिया है। ठीक है, इंडिया ने क्या कर लिया, अपना पैर उठा के ही कुल्हाड़ी पे रख दिया, ये वैसी वाली सिचुएशन हो गई है। अब एक तो पहले ही नेपाल हमसे खफा बैठा था, अब अगर हमने इस तरीके की चीज़ें करी तो नेपाल तो ऐसा काम करेगा ही करेगा। तो नेपाल ने इंडिया के जितने भी मीडिया थे, जितने भी न्यूज़ चैनल थे, सबको बंद कर दिया, कुछ छोड़ा है या सबको बंद कर दिया, तो एक चीज़ छोड़िए, दैट इज दूरदर्शन, दैट्स इट। दूरदर्शन के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दूरदर्शन जो है सिर्फ ये इन्होंने यहाँ पे छोड़ा है, बाकी जितने भी मीडिया वगैरह हैं इन सबको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है नेपाल के अंदर। तो नेपाल के लिए आपको ये खुशी देखो, तुम लोग की जो खुशी होती है ना कभी कभी बेहिंता हो जाती है। वेल चलो, अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हितेश, गुड मॉर्निंग। अरे हाँ भाई, हितेश का हैप्पी बर्थडे, सब लोग इनको विश कर दीजिएगा, विश यू हैप्पी बर्थडे। यह सेशन को एक बार से शेयर जरूर कर देना। तो ये जो पूरी सिचुएशन है जिसके चलते इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं ये सुधरने की बजाय और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अब देखो, एक तो नेपाल पहले से कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, यानी कि जो नेपाल के सिटीजन्स हैं, उनको जो यहाँ पे बोलने का अधिकार दिया गया है उसको कर्टेल किया जा सके, यानी कि राइट टू स्पीच जो नेपाल के अंदर है, नेपाल की सरकार काफी पहले से कोशिश कर रही थी कि इन लोगों की जो राइट है इनको कर्टेल किया जाए, इनको इनसे थोड़ा सा छीन लिया जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट भी तो हो रहा है ना। अगर आप इंडिया के खिलाफ जा रहे हो, इंडिया के अगेंस्ट अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो कुछ तो यहाँ पे लोग हैं ना जो इंडिया के फेवर में काम करेंगे, इंडिया के फेवर में बोलेंगे। तो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए नेपाल तो पहले से ही ताक लगाए बैठा हुआ था कि कुछ तो तुम ऐसा करो जहां पे हम आके तुम्हारे लिए इस तरीके का काम कर देंगे। इंडिया ने वो मौका दे दिया नेपाल को, नेपाल ने इसी मौके को देखते हुए यहाँ पे लगा दिया चौका, और चौका लगाते हुए कर दिए सारे के सारे चैनल क्या, बैन। तो अब यहाँ पे देखने वाला होगा कि अब इसके बाद इंडिया क्या स्टेप लेता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है नेपाल के द्वारा। एक तो पहले ही हम लोग के रिलेशंस खराब थे, रिलेशंस खराब होने का रीजन सिर्फ यही नहीं है कि आपने ये इस तरीके की चीजें करी, आपने मीडिया में दिखा दिया। इंडिया और नेपाल के अगर आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह देखो ना, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं, या कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी स्कूल को बनाना है आपको, इन सब चीज़ों के लिए आप एमओयू तो साइन करके बैठे हो, लेकिन आज तक आपने उसके ऊपर कोई काम करना जरूरी ही नहीं समझा। और चाइना तो आप जानते ही, वो कितना फास्ट फॉरवर्ड है, जब तक तुम यहाँ पे सोच पाते हो तब तक वो चाइना उतना काम करके निकल जाता है। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये आपको इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में देखने को मिल रही हैं। हमारे लिए यहाँ से एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा, इसकी कैपिटल काठमांडू, काठमांडू के अंदर किसका हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये याद रखिएगा कि सार्क का जो सेक्रेटरिएट है वो भी आपको यहीं मिलेगा काठमांडू के अंदर, बट सार्क को बनाया कहाँ पे गया था, ढाका के अंदर इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट याद रखना है आपको, यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो। चलो अच्छा, हम ही बता देते हैं, विद्या देवी भंडारी जी हैं। ओके यार, ये बस चीज़ें यही नहीं, मेरे को अच्छा लगता है क्लास में पढ़ा रहे वहाँ तुम लोग टेलीग्राम पे मैसेज किए पड़े हो। वेल, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके अलावा इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण, अब तो ये भी खतरे में नजर आ रही है। और दूसरी तरफ चाइना और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, अगर उसका नाम पूछा जाता है आपसे तो क्या हो जाएगा, सागर माथा उसका नाम रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे जब पूछा जाए कि, तो कम से कम आपके पास आंसर होना चाहिए, राइट।
राइट, ये बात समझ में आ गई। अच्छा चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे की कहानी यहाँ पे क्या है जरा उसको हम लोग समझते हैं। विद्या देवी भंडारी जी बिल्कुल करेक्ट, इनका सेकंड टर्म यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये बात हो गई यहाँ पे पहली न्यूज के बारे में, ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी न्यूज जो है वो जुड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया था, मैं नाम भूल गई, आजकल नाम इतना ज्यादा भूल रहे ना क्या कहा जाए। तो उसमें पूछा था उस स्टूडेंट ने कि एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है मैम और ये क्यों कंडक्ट करी जाती है। देखो, इंडिया टू टेक कॉल ऑन ऑस्ट्रेलियाज इंक्लूजन इन मालाबार एक्सरसाइज। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या चीज बोली गई है, मालाबार एक्सरसाइज। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कहना क्या चाह रही है न्यूज। मालाबार एक्सरसाइज जो है इसमें तीन देशों का पार्टिसिपेशन होता है, इंडिया, यूएसए और जापान, ये तीनों देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछली बार जब ये मालाबार एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई थी उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को इनविटेशन तो दिया जाना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इनविटेशन नहीं दिया गया और ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज में भाग नहीं ले पाया था। चलो ठीक है, अब एग्जाम में पहला पॉइंट तो ये पूछा जाएगा कि जो मालाबार एक्सरसाइज है वो कौन कौन से देशों के बीच में होती है। मैंने आपको तीनों नाम बता दिए। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इंडिया सोच रहा है कि क्यों ना हम ऑस्ट्रेलिया को भी अपने साथ मिला लें। क्यों भैया, क्या जरूरत आ गई, जब आपने पिछली बार इनको न्योता नहीं दिया था तो अब इतनी, अब इस टाइम यहाँ पे इनविटेशन देने की जरूरत क्या है। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन चल क्या रही है, ये रहा मैप, और अगर हम मैप में ध्यान से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है दिस इज ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये वाला एरिया क्या, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज साउथ चाइना सी, यहाँ पे आपको एक जगह नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये जो पूरा एरिया है ये क्या है आपका, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे चाइना क्या कर रहा है, चाइना की यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है, जो टैक्टिक्स है वो क्या है, सलामी टैक्टिक्स। मैंने आपको पिज्जा का यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कि नेपाल है, ये भूटान है, ये पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है, तो चाइना क्या कर रहा है वो एक तरीके से पिज्जा की तरीके से सारी कंट्रीज को समझ रहा है और एक एक करके इनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता चला जा रहा है। अब चाइना ने क्या किया हुआ है कि ये जो इंडियन ओशन का एरिया है यहाँ पर अपनी नेवल शिप्स भेजना शुरू कर दिए। चलो ठीक है, तुमने नेवल शिप भेजे, कोई बात नहीं। अब अगर आप यहाँ पे नेवल शिप भेजोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया एक्टिव होगा, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया भी एक्टिव होगा। तो अब यहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि क्यों ना इंडियन ओशन में अपनी जो जगह है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए जितने भी ऐसे देश हैं जिनकी सीमा इंडियन ओशन से लगती है, हिंद महासागर से लगती है, क्यों ना हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें और चाइना के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। ये वैसी वाली बात होती है ना कि अब अगर चाइना को काउंटर करने की बारी आई है तो हर एक कंट्री यहाँ पे हाथ मिलाने के लिए खड़ी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस को कम करने के लिए, इनकी उपस्थिति को कम करने के लिए जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी आपस में हाथ मिला रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने तो अभी कुछ टाइम पहले ये भी बोला था कि ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाने जा रहा है ताकि इंडियन ओशन के रीजन में अगर कभी कुछ होता है इन फ्यूचर तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी एक्शन ले पाएगा। बात समझ में आई, क्या हो गया कासिम, व्हाट हैपेंड? चलो भाई चलो पढ़ते जाओ, गुड मॉर्निंग। ये बड़ा खराब लगता है तुम लोग की, अब आधे लोगों की गुड मॉर्निंग हो रही है। वेल चलो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग हो रही है कम से कम, यही बहुत है। देखो यहाँ पे है आपका साउथ चाइना सी, मतलब आपका नहीं, ये चाइना का है, चाइना इसको क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा है। अब इस वाले अगर एरिया की हम बात करें तो मैंने आपको एक एडिटोरियल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने क्या किया है, अपने दो नेवल शिप जो है वो साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं। जल्दी से मुझे उन दोनों नेवल शिप का आंसर जो है या फिर जो नाम है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, दोनों का नाम क्या था। स्नेहा और पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, बता रहे हैं हम तुमको, जल्दी से आंसर करके बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं नेवल शिप का नाम क्या है तो नेवल शिप का नाम क्या होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं 9-9 क्या है तो 9-9 जो है वो एक लाइन ड्रॉ करी गई है चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर, जिसके अंदर बोला जाता है उतने एरिया के अंदर जितने भी आइलैंड है, जैसे कि पार्सले आइलैंड हो गया, स्पार्टले आइलैंड हो गया, ये सारे के सारे आइलैंड किसके हैं, चाइना के। चाइना ऐसा क्लेम करता है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा क्लेम चाइना करता क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑयल रिजर्व देखने को मिलते हैं, तेल के भंडार देखने को मिलते हैं। तो चाइना सोच रहा है अगर इस पूरे एरिया को हम हथियार लेते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बेचते चले आए हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी ऑयल वगैरह की चीजें हैं या फिर जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसको हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है भैया, आंसर करोगे एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, बता रहे हैं बेटा, पहले ही तो बताओ, रोनाल्ड और निमिट्स, बहुत बढ़िया। अब देखो देशों के बीच में जो एक्सरसाइज है वो क्यों होती है, तो बेटा एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे है कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये वो कॉर्पोरेशन नहीं है, ये कॉर्पोरेशन है, क्या है, कॉर्पोरेशन।
दो देशों के बीच में या फिर तीन देशों के बीच में जब एक सहमति के साथ किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है, एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का मतलब है एक दूसरे के सहयोग से अगर प्रैक्टिस करी जाती है तो उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि पता चला चाइना ने अटैक कर दिया इंडियन ओशन के एरिया में और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ये आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसे हम एक्सरसाइज नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फिर हम उसे अटैक का नाम देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जब भी दो या तीन या चार देश जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक सहयोग के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमको कभी जरूरत पड़ती है एक दूसरे की तो हमारी यहाँ पे पहले से ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमें पहले से समझ में आना चाहिए कि जो हमारे साथ में खड़ा हुआ है वो किस तरीके से सोच सकता है, उसका अगला स्टेप क्या होगा। अरे ये बिल्कुल वैसी वाली बात है ना, जब यहाँ पे देखो दो दोस्त होते हैं, गोलू और मोलू हैं, ठीक है। गोलू और मोलू गए यहाँ पे चोलू से मिलने के लिए, गोलू और मोलू गए चोलू से मिलने के लिए। अब गोलू और मोलू तो आपस में बड़े अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन जो चोलू था वो तो बेचारा अलग रहता था, उसे क्या पता कि गोलू और मोलू क्या सोच के आए हुए हैं। तो ये वही वाली कहानी है कि जो गोलू और मोलू है वो इंडिया और यूएसए है, क्योंकि इनके बीच में एक्सरसाइज चल रही है, ये दोनों बड़े अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन आप जिसको नहीं जानते हो, जब वो आपको आके ज्वाइन कर लेगा तो वो भी एक क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज का हिस्सा बन जाएगा। तो एक कॉपरेशन को दिखाने के लिए, एक पार्टनरशिप को दिखाने के लिए, एक सिक्योरिटी बेसिस पे अपने बीच में एक सहयोग को स्थापित करने के लिए एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके करीम कासिम, ये कैसी कैसी चीजें लिख के भेज रहा है यार, क्या कर रहे हो। चलो अब देखो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सवालों की। अब लोग गोलू मोलू चोलू पे ही हंसना शुरू हो गया यार, तुम लोग क्या है यार, मैं क्या करूं, मुझे कोई नाम नहीं याद आ रहा होता है। चलिए अच्छा, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, या सेशन को एक बार से जरा शेयर कर दिया करो, इतना काम कर दिया करिए मेरे लिए। अब देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आता हुआ, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। इसकी शुरुआत कल से हुई है, कल मैंने इसके ऊपर आपको शाम में एक बर्निंग इशू भी पढ़ाया था 6:45। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर करके बताओ, तो इसको आयोजित किया जा रहा है किसके द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूके जो है वो इसका आयोजन कर रहा है। ओम, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल आईपीएल वाली जो कंडीशन होती है बिल्कुल वैसी वाली बात होती है। अब जैसे भी तुम लोग यहाँ पे समझ लो, तुम लोग के ऊपर है, बस हाँ समझ में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूके के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कल जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें संबोधन किया गया, यानी कि स्पीच इनके द्वारा दी गई, जिसमें इन्होंने ये बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमी इतना ज़्यादा स्लो डाउन होती जा रही है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग को किस तरीके से रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, मतलब किस तरीके से हमें चीज़ों को बदलना है, और चीज़ें बदलने के बाद आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब आपने किसी भी चीज़ में कुछ बदलाव किया तो उसके बाद जो एक बूम आता है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्म हो गया ना, उसका जो रूप है वो क्या हो गया, बदल गया। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये दिया गया। फिर बोला गया कि जो आत्मनिर्भर भारत है हम इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमने काम कर दिया और कल जाके ये खत्म हो जाएगा। नहीं, जो हमारा काम आज कर किया जाएगा वो सस्टेनेबल वे में होगा। सस्टेनेबल वे का मतलब है कि आज हम जो भी कर रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबे समय तक उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे वर्ड्स वगैरह जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोले गए कल जब इन्होंने संबोधन किया था इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का। आयोजन कौन कर रहा है भैया, यूके के द्वारा किया जा रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं इनके बारे में। देखिए जब भी हम यहाँ पे इस बारे में बात करेंगे तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे यूके बोला है तो यहाँ के पीएम कौन है, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर। हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वन। एग्जैक्टली, इंदिरा एक्सरसाइज जो इंडिया और रशिया के बीच में होती है, बताने जा रहे हैं, जल्दी से आंसर करके बताओ। अब देखो रशिया लिखा है, इंडिया और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंदिरा। एससीओ की समिट का आयोजन किया जाएगा 2020 की रशिया के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रिक्स का भी जो 12th वाला एडिशन है वो भी रशिया के अंदर ही आयोजित किया जाएगा। इंडिया और यूके की बात करेंगे तो अजय वॉरियर एक्सरसाइज और इंद्रधनुष एक्सरसाइज इन दोनों के बीच में परफॉर्म करी जाती है। इंडिया और यूएस की बात करी जाएगी तो यहाँ पे टाइगर ट्रायम्फ नाम की जो एक्सरसाइज है और कोप नाम की जो एक्सरसाइज है उसका यहाँ पे आयोजन इंडिया और यूएसए के बीच में किया जाता है। इंडिया जर्मनी में कोई एक्सरसाइज नहीं होती, इंडिया कुवैत में भी आपको कोई भी एक्सरसाइज देखने को नहीं मिलती। बोरिस जॉनसन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आंसर क्या बनेगा, बोरिस जॉनसन। अब जो बोरिस जॉनसन है, अभी आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले इनको कोविड भी हो गया था, ठीक है। चलो अच्छा, आप देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर किया गया है, यानी कि इंडिया के द्वारा ये बात कही गई है कि हमारे यहाँ पे जो रेड कार्पेट है वो बिछा हुआ है, जितनी भी कंपनीज हैं जो एफडीआई लेकर आना चाहती हैं हमारे यहाँ पे, दे आर मोस्ट वेलकम, आपका यहाँ पे स्वागत है, आइए पधारिए हमारे यहाँ पर। वेल, एक थीम पूछी जा सकती है, ये जो ग्लोबल वीक मनाया जा रहा है इसकी थीम क्या है,
बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड. तो रिवाइवल शब्द याद रखना, बाकी अगर आगे पीछे का पूरा भूल भी जाओगे तो भी काम चल जाएगा. तो रिवाइवल इज द की पॉइंट. अब देखो जब हम यूके की बात कर रहे हैं तो भैया लंदन तो हमारे दिमाग में आएगा ही आएगा. लंदन के अंदर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंटरनेशनल के इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉमनवेल्थ नेशन, इसके अलावा आप देखोगे एमनेस्टी इंटरनेशनल. ये चार ऐसी चीजें हैं जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलता है, लंदन के अंदर ये लोकेटेड है. ये जो पूरी यहाँ पे ग्लोबल समिट चल रही है 9 से लेके 11 तारीख के बीच में चलेगी. तो अगर 11 तारीख को कुछ और भी आउटकम होंगे तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. बात समझ में आ गई. एक्सरसाइजेस के ऊपर शांतनु क्लास ऑलरेडी हो चुका है. मैं इसीलिए तुम लोग को बोलती हूँ कि टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े रहा करिए. कोई भी क्लास होता है तो एक घंटे पहले मैं आपको उसका लिंक शेयर कर देती हूँ. मैंने पिछले हफ्ते ही पिछले संडे को शाम में क्लास लिया है एक्सरसाइजेस के ऊपर, पता है ये चीज़ आपको. चलो कोई नहीं, आप टेलीग्राम पे मैं उसका जो लिंक है वो शेयर कर देंगे. क्वेश्चन नंबर टू, आंसर करो कौन सा इनमें से ऐसा देश है जो अभी बड़ा उत्सुक होकर बैठा हुआ है कि इंडिया के साथ उसको ओपन स्काई पॉलिसी के ऊपर साइन करना है. आंसर मारो जल्दी से. यहाँ पे एसडीजी इंडेक्स बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे 117 है. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे पीछे कंट्री कौन सी है, मतलब लास्ट में कंट्री कौन सी रहेगी. चलो तुम लोग को ऑप्शन भी दे देते हैं, तुम लोग भी क्या याद करोगे. नॉर्थ कोरिया है या फिर सोमालिया है, बताओ इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलती है. फटाक से आंसर करो. और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर विल बी यूएई. अब जरा ध्यान से समझना, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले जरा जो ऑप्शंस लिखे हैं उनके साथ थोड़ा सा खेल लिया जाए. कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कल मैंने कहा था मीजल्स और रुबेला जो है अभी हाल ही में, ये आपका जो मालदीव्स है और श्रीलंका है, इन दोनों ने बोला है कि ये दोनों ही कंट्रीज अब ऐसी हो गई हैं जो मीजल और रुबेला से फ्री हो गई हैं. पहला पॉइंट, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है उसका नाम क्या है, इक्वेरिन. और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है उसका नाम क्या है, मित्र शक्ति एक तो हो जाएगी, और दूसरी वाली कौन सी रहेगी, स्लाइनिक्स. कौन सी हो जाएगी, स्लाइनिक्स. इंडिया और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम क्या है, एंड इन हैंड. अब देखो यार ये बताने का कोई मतलब नहीं है, वुहान का हेडक्वार्टर है, G4 के सिम्टम्स यहाँ पे मिले, ये सब चीजें तुम लोग को मालूम है. चाइना के पार्ट पे तुम लोग सब जानते हो, है ना. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आया, ये ओपन स्काई पॉलिसी होती क्या है. मैंने कुछ टाइम पहले भी आपसे इसके बारे में बात करी थी, जब यूएसए ने बोला था कि वो रशिया के साथ ओपन स्काई पॉलिसी को एंड करना चाहता है, उस टाइम पे मैंने ये न्यूज आपके साथ डिस्कस करी थी. अब देखो इसमें होता क्या है, ये एक तरीके का जो एग्रीमेंट है ना, ये क्या है, एक एग्रीमेंट है. एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है देशों के बीच में, जिसमें क्या बोला जाता है कि आपकी जो मिलिट्री है वो हमारी मिलिट्री के ऊपर नजर रख सकती है. क्या मतलब हुआ, मतलब जो हमारी मिलिट्री है उसके ऊपर यूएई की जो मिलिट्री है वो नजर रखेगी. ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी. बिल्कुल खतरे में आ जाएगी, तो ऐसे थोड़ी ना होता है. देखो इसमें क्या होता है, ये जो ट्रीटी थी ये एक्टिव हुई थी कब, 1992 में. कब एक्टिव हुई है, 1992 में. इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो इंडिया है ना, और इधर की तरफ पाकिस्तान है, इन दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया ओपन स्काई ट्रीटी के लिए. ये एग्रीमेंट साइन हो गया. अब इसमें क्या होगा, इंडिया अपना कोई भी, जैसे कि मान लो इंडिया ने अपना एक ड्रोन बनाया है ना, जैसे आपने उरी मूवी में देखा होगा उसमें ड्रोन दिखाया गया था. तो इंडिया ने अपना एक ड्रोन बनाया जिसको रिमोट सिस्टम से चालू रखा जाएगा, और इंडिया अपने इस ड्रोन को भेजेगा कहाँ पे, पाकिस्तान के मिलिट्री के जहाँ पर बेसिस हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने कब्जे किए हुए हैं, या फिर जहाँ जहाँ पे उनके बंकर बने हुए हैं वहाँ पे इस ड्रोन को भेजा जाएगा, और पूरे एरिया की इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस ड्रोन के द्वारा करी जाएगी. तो क्या ये छुपके होता है, नहीं छुपके नहीं होता है. यहाँ पे ऑलरेडी एक एमओयू साइन किया जाता है, एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि आप हमारी मिलिट्री के ऊपर नजर रख सकते हैं कि हम लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों को आप नोटिस कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है कि आपके पास कोई भी हथियार नहीं होने चाहिए. मतलब मान लो कि अगर हमारा कोई जेट एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान के ऊपर से क्रॉस करके गया है, तो ऐसा ना हो कि वो भैया साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जा रहा हो. ये कंडीशन यहाँ पे रखी जाती है. बट ध्यान रखना, यहाँ पे जिन देशों के बीच में इसको साइन किया जाता है सिर्फ वही कंट्री ऐसा कर सकती हैं, इसके अलावा कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकती. और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो जब भी हम जाएंगे तो बॉम्ब लेके ही जाएंगे, तो वैसी वाली कहानी है. तो यूएई यहाँ पे अभी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ अगर हम यहाँ पे इस ट्रीटी को साइन कर लेते हैं, ध्यान रखना मैं कौन सी ट्रीटी के बारे में बात कर रही हूँ, ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. ओके बता रहे बेटा मंजीत, वहां तक पहुंचे तो प्रॉफिट तो हम बता रहे. अब देखो होता क्या है,
यूएई और इंडिया के बीच में अगर देखा जाए ओवरऑल 1068 फ्लाइट्स जो हैं वो पूरे हफ्ते में चलती हैं। कितनी फ्लाइट्स? 1068। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम इसको भी साइन कर लेते हैं तो इंडिया का जो एरिया है यानी कि इंडिया के जो स्काइज हैं वो यूएई के लिए यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इससे पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही कि हमारे बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत ही कम होती हैं, एक तरीके से निल होती हैं। पहली चीज़ तो ये होगी कि उसके बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा, आपस में सहयोग बढ़ेगा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि अब इसके बाद में क्या हो जाएगा कि दोनों देशों के बीच में जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं इनको भी धीरे धीरे करके हम बढ़ाते रहेंगे, और अगर नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बढ़ती रहेंगी तो इससे क्या हो जाएगा, जो टूरिज्म का सेक्टर है वो भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओपन स्काई ट्रीटी की बात करेंगे तो ये बात हो जाएगी मिलिट्री के बारे में, अगर हम यहाँ पे टूरिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितनी फ्लाइट चलती हैं एक हफ्ते में इंडिया और यूएई के बीच में, दैट इज 1068। ये बात समझे? अब देखो सवाल यहाँ पे ये आया, तो ये बताइए मैम कि इंडिया जो है क्या उसने ओपन स्काई ट्रीटी को साइन किया हुआ है? नहीं, इंडिया जो है वो ओपन स्काई ट्रीटी के साथ में नहीं है। इंडिया की ये जो ट्रीटी है सिर्फ उन्हीं देशों के साथ में साइन हुई है जिसके अंदर सार्क के देश आते हैं। मतलब सार्क के अंदर आपको टोटल कितने देश देखने को मिलते हैं? 8 देश हैं। तो इंडिया का जो एग्रीमेंट है ओपन स्काई ट्रीटी के लिए वो सिर्फ उन्हीं देशों के साथ है जो कि सार्क के अंदर आते हैं या फिर सार्क के सदस्य हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मतलब तुम लोग तो यार ऐसी बातें कर रहे हो कि 15 अगस्त को जिनपिंग जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले, कैसे मजाक है यार, ये कैसा मजाक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो यूएई है उसने अभी यहाँ पे ये चीज बोली हुई है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे यूएई के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं क्योंकि मैप भी आपके लिए जरूरी है। तो एक बार से हम मैप देख लेते हैं। देखो ये जो पूरा आपको एरिया नजर आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका यूएई। फुल फॉर्म भैया देख लो, पता चला बोलो कि मैम यूएई का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा मत करना। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका फुल फॉर्म होगा। यहाँ की तरफ कतर हो गया, दिस इज सऊदी अरेबिया। यहाँ पे ओमान नजर आएगा और इसके यहाँ पर भी देखोगे तो दिस इज ऑल्सो ओमान। अब देखो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है अबू धाबी, ठीक है। अबू धाबी अगर देखा जाए तो एक तरीके से आइलैंड सिटी हुई ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बिल्कुल पानी के बिल्कुल बीचों बीच में। इसके अलावा मराबा नाम का जो आइलैंड है वो यहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे पूरे विश्व का सबसे पुराना जो मोती है, जो पर्ल है, वो पाया गया था, राइट। अब इसके यहीं पर आप अगर देखेंगे अबू धाबी हो गया तो दुबई भी तो यहीं पर लोकेटेड है। तो एक बार से इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं। तो ये रही इसकी लोकेशन, आप जरा समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। यूएई को यहाँ पे देश कब बनाया गया था? 1971 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट प्लेस कौन सी रहेगी, दैट विल बी अबू धाबी। उसके बाद अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि पॉपुलेशन के बेसिस पे सबसे बड़ी जगह कौन सी है, तो दुबई हो जाएगी। और दुबई क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे कैमल हॉस्पिटल भी है, सेल्फी म्यूजियम भी है, और साथ में इंटरनेशनल लेवल पर एक जो एग्जीबिशन होनी थी उसका आयोजन भी दुबई के अंदर ही किया जाना है, और साथ में ICC का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। ये क्रिकेट काउंसिल वाला है, ठीक है, चलो फाइन, ये सब चीज़ समझ में आई। बुर्ज खलीफा, यार ये नाम सबको पता है ना कि बुर्ज खलीफा चलेंगे, ये वो फलाने वाका। तो बुर्ज खलीफा कहाँ है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। और यहाँ की अगर पूछा जाता है कि सबसे लंबा जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, लार्जेस्ट पोर्ट यहाँ का कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जेबल अली पोर्ट। तो प्लीज़ इतने जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे सवाल पूछा आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और कर दो। ये जो यहाँ पे आपको शारजा नजर आ रहा है ना, ये यूनेस्को की सूची में आता है, यूनेस्को की लिस्ट में आता है, किस कैटेगरी में, मतलब किस चीज के लिए इसको यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया? फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर करो इसका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग शिवानी, वेरी नाइस। बस ये वाला पॉइंट हम बताने ही जा रहे हैं। देखो ऑर्डर ऑफ जायद, ये जो अवार्ड है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, और ऑर्डर ऑफ जायद 2 से सम्मानित किया गया है नवदीप सिंह सूरी जी को। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। कंट्री के हिसाब से मैंने आपको यहीं पर ये कंट्री की लोकेशन, जितने स्टैटिक पॉइंट थे यहीं पर बता दिए, तो लास्ट में कंट्री नहीं, कंट्री मैंने अभी आपकी यहीं पर कवर कर दी। अगला सवाल बताओ, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके लिए इसरो ने बोला है कि अमेजोनिया 1 नाम की जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करी जाएगी? भैया देखो अमेजोनिया लिखा है तो इससे क्या हो गया, अमेजोन। अब अमेजोन कहाँ मिलेगा? या तो वो ई कॉमर्स हो जाएगा यानी कि यूएसए होगा, या तो वो फॉरेस्ट हो जाएंगे, जो जंगल है कहाँ पे, ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा एरिया मिलता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राजील। अब देखिए है क्या, पहले ईरान, ईरान चर्चा में क्यों है, कैपिटल इसकी क्या है? तेहरान। और इसकी जो नई करेंसी आने वाली है क्या हो जाएगी? तुमान। इसराइल जो है ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने बोला था कि गाजा स्ट्रिप और जो आपका वेस्ट बैंक का एरिया है उसको पूरी तरीके से हड़पने की प्लानिंग इनके द्वारा करी जा रही थी। नेक्स्ट, यहाँ पे इसराइल ने अभी हाल ही में अपनी एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करी है, कमेंट सेक्शन में आंसर। इसराइल ने जो अभी हाल ही में अपनी एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करी है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन करो।
गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने अभी आपको बता दिया। पहली चीज तो ये कि पिच ब्लैक नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित करी जाती है। एयर फोर्स की एक्सरसाइज है, इसको रिसेंटली पोस्टपोन किया गया। इसके अलावा ऑक्सी इंडेक्स, ये भी एक एक्सरसाइज होती है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट करी जाती है। अब जो तीसरी एक्सरसाइज होगी उसका नाम मैंने आपको बता दिया है। इंडिया भी प्लान कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को उसका हिस्सा बनाया जाए। अगर बन जाएगा तो मालाबार एक्सरसाइज जो है वो फिर चार देशों के बीच में होगी, ना कि तीन देशों के बीच में, ठीक है। अच्छा, एक ग्रुप भी बनाया, चलो ये भी लगे हाथ यही बता देते हैं। देखो क्लास का समय अगर 4-5 मिनट एक्स्ट्रा खिंच जाया करो तो टेंशन मत लिया करो, क्योंकि चीज़ें इतनी सारी होती है। मेरा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि यार जो भी चीज़ें मुझे मालूम है तुम लोग तक पहुँचे, ताकि आप लोग भी उस चीज़ से अवेयर हो पाओ। तो क्वाड नाम का जो एक ग्रुप है ना, ये बनाया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए, और इसमें भी चार देश हैं। कौन कौन से? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और यही चारों मिलके कौन सी एक्सरसाइज हो जाएगी? मालाबार एक्सरसाइज रहेगी। अब देखो ये सैटेलाइट का काम क्या होगा। तो पहली चीज तो ये PSLV नूर तो इसकी हो जाएगी ना, ऑफ एक्स, करेक्ट, ऑफ एक्स होगी। नूर तो आपकी इसकी ईरान की हो जाएगी। अब देखो किससे भेजा जाएगा? PSLV से, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा यहाँ पे इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा ब्राजील के लिए। बाय ब्राजील के लिए, तो देखो यहाँ पे क्या था, 2014 की अगर हम बात करें तो जो 6 वाला ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, तभी इंडिया और ब्राजील के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें कहा था कि अमेजोन के जो फॉरेस्ट हैं, अमेजोन के जो जंगल हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मतलब वहाँ पे आपने देखा ना, बहुत ज़्यादा आग वगैरह लगती रहती है, तो पूरा जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने बोला हम एक काम करेंगे, हम एक सैटेलाइट डेवलप करेंगे जिससे अमेजोन का जो जंगल है, जो पूरा एरिया है, वो जो पूरा फॉरेस्ट्री एरिया है, उसके ऊपर हम आराम से नजर रख पाएंगे। हमारे पास प्रॉपर एक डेटा रहेगा, तो उसकी हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे और यहाँ पे इन जंगलों को बचाया जा सकेगा। तो ये जो इनिशिएटिव है 2014 में ही सोचा गया था, अब ये बनके तैयार हो गया और नेक्स्ट मंथ इसरो जो है वो इसको लॉन्च करेगा। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, इसरो क्यों लॉन्च कर रहा है, इसरो की क्या गर्ज पड़ी है? भैया इसरो के पास आजकल बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं। क्यों आती हैं? रीजन है इसका, जब से इसरो ने अपना यहाँ पे मार्स वाला मिशन लॉन्च किया था ना, उसके बाद से काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इसरो के पास आती हैं। रीज़न इसका ये है कि इसरो अब यहाँ पे जो भी मिशन या फिर जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, पैसा बहुत कम लगाता है, क्योंकि पता ही है हम लोग जुगाड़ू भारत। अब ये आप लोगों ने मूवी तो देखी होगी ना, कौन सी वाली? मार्स वाली, जो अक्षय कुमार वाली थी। तो उस मूवी में भी अगर आपने देखा हो तो जुगाड़ू भारत है, जुगाड़ की तरीके से काम करते हैं। तो वही जुगाड़ू भारत यहाँ पे इतना ज़्यादा आगे जा चुका है कि ब्राज़ील हो, इवन USA ने भी बोला था, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फ्रांस ने भी बोला था कि आप हम लोग के लिए भी सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रांग करेगी। अब मैंने अगर आपसे पूछा इसरो तो भैया कब बना है? 1969 में बना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। इसके हेड कौन है? के सिवान जी, सिंपल हो जाएगा। अब देखो ब्राज़ील, कैपिटल ब्राज़ीलिया, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि इसका जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? ब्राज़ील से होता है। करेंसी क्या हो जाएगी? रियल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? बताना पड़ेगा मुझे या तुम लोग बताओगे? जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो की बात करें तो बेचारे ये भी, इनको भी अभी कोविड हो गया है, तो याद रखिएगा। और साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंट्री है, आप मैप में देख सकते हैं, साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है? दैट इज ब्राज़ील। इसी जगह पे आपको अमेजोन के जंगल देखने को मिलते हैं और इसी जगह पे आपको अमेजोन रिवर भी देखने को मिलती है, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, फटाक से आंसर करो। मैं सोच रही हूँ मैं अलग अलग लैंग्वेजेस सीख ही डालूँ। अब तुम लोगों का अगर यहाँ पे कृपा रही तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है कि जब अलग अलग लैंग्वेजेस भी हम सीख जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो। आपको बताना है यहाँ पे समुद्र सेतु मिशन के बारे में, कौन सा इनमें से ऐसा इंडियन नेवल शिप है जिसका इस्तेमाल किया गया था समुद्र सेतु मिशन के अंदर। ये सवाल इसलिए बनाया है क्योंकि समुद्र सेतु मिशन जो है ये पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। मतलब जितने भी माइग्रेंट थे, यानी कि जितने भी ऐसे लोग थे जो बाहर के देशों में थे, भारतीय जो थे उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया थी उसका एक नाम दिया गया था, वो नाम क्या था? समुद्र सेतु। अब इन लोगों को वापस लाया जा चुका है। आंसर बनेगा इसका INS जलाशय। अब आप पूछेंगे मैम तो फिर INS केसरी क्या है? देखो इंडिया ने एक मिशन चलाया था, मिशन सागर, कहाँ के लिए? इंडियन ओशन के लिए, हिंद महासागर के लिए एक मिशन चलाया गया था, मिशन सागर। उसमें जिस INS का इस्तेमाल हुआ था वो थी INS केसरी। अगला लिखा हुआ है INS कलिंगा। मैंने आपको बताया था कि एक मिसाइल पार्क डेवलप किया जाएगा और ये मिसाइल पार्क कहाँ पे बनेगा? विजैक के अंदर, यानी कि विशाखापट्टनम के अंदर। और वहां पे जो INS है उसका नाम क्या है? INS कलिंगा है।
INS अरिहंत इंडिया की खुद की बनाई हुई यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे पहली मिसाइल बनाई सॉरी सबसे पहली जो INS बनाई गई है उसका नाम क्या है? INS अरिहंत। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं समुद्र सेतु, इसका मीनिंग क्या है? सी ब्रिज, यानी कि जितने भी ऐसी कंट्रीज हैं जो गल्फ कंट्रीज में हमारे भारतीय रहते हैं, या फिर आप एक बार से मैप देख लो तो आपको बेटर समझ में आएगा। पहले मैप देख लो उसके बाद आते हैं उस पॉइंट पे। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया में देखो तो यहाँ मालदीव्स हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, ये पूरा जो एरिया है दिस इज व्हाट इंडियन ओशन। तो जितने भी ऐसे भारतीय हैं जो गल्फ कंट्रीज में रहते थे उन सबको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था हमारी नेवी के द्वारा, कब? 5 मई को। कोविड के चलते जितने भी लोगों को वापस लाया जा सकता था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो काम किया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि काफी सारी INS का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आपको INS जलाशय, INS मगर, INS शरदुल और INS एरावत के नाम याद रखने, चारों INS आपसे पूछे जा सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही, INS का फुल फॉर्म पूछिए तो कम से कम यही ना गोला टिका देना, INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। बात समझ गए? एकम्प्लिश, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एग्जैक्टली, वी टुक इट फ्रॉम USA। वैसे तुम लोग इसको सब आता है, मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, कल से सोच रहे हैं तुम लोग उल्टा हमको पढ़ाओगे। अगला सवाल देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं जोस्ना चिनप्पा ये कौन से खेल से जुड़ी हुई है? आंसर हो जाएगा स्क्वैश। अब ये नाम चर्चा में क्यों है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इजिप्ट की एक प्लेयर है, स्क्वैश प्लेयर है, जिनका नाम क्या है? रनिम एल बेली। ये जो है अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी है। अब पहला सवाल तो पूछा जाएगा कि ये जो है ये कौन से खेल से जुड़ी है, नाम स्क्वैश। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कौन सी कंट्री की तरफ से खेलती थी? इजिप्ट। अब हुआ क्या, इंडिया की जो स्क्वैश स्टार है जिनका नाम क्या है? जोत्सना। इनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 के अंदर आ गई है। अब क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि इनकी रैंकिंग एक्चुअल में हो क्या गई है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो। और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक और नाम लिखा हुआ है और ये नाम क्या है? सौरभ घोष। तो सौरभ घोषाल, सौरभ घोषाल की अगर हम बात करें तो इनकी जो रैंकिंग है वो 13 नंबर पे है, और फीमेल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो इनका जो नाम है वो टॉप 10 के अंदर आ गया। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनका नंबर कौन सा है, मतलब कौन से नंबर पे इनकी पोजीशन आ गई। फटाक से आंसर करो यार, जल्दी से इसका आंसर करो। ओके, अलग अलग आंसर तुम लोग जब आने लगते ना फिर मेरे को टेंशन होती है कि इतना अलग अलग कैसे बता सकते हो। 108 है, ये कब से होने लगा भैया? टॉप 10 के अंदर आई है तो 108 कैसे हो सकता है? जल्दी से इसका आंसर करके बताओ। ये देखो 13 नंबर पे तो ये सौरभ है, ठीक है, मूव्स अप टू 10th इन। सामने लिखा हुआ, पता नहीं क्या तुम लोग दिमाग लगाते हो, हर चीज में रॉकेट साइंस थोड़ी ना लगती है। सामने लिखा तो है 10th इन द PSA वर्ल्ड रैंकिंग, तो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर इनकी जो रैंक है वो 10 आ गई, मतलब टॉप 10 में अभी आ चुकी है। याद रखना, आप कहेंगे मैम ये गलत है, दिस इज चीटिंग। बोलो। अब देखो यहाँ पे अगला, एक बुक आई है जिसका नाम है महावीर। ये हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि किताब का नाम था तो मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर बनेगा AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार जी के द्वारा, मतलब ये लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। तो पहले जरा हम बात करते हैं कि ये जो किताब है कौन से सोल्जर के ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जसवंत सिंह रावत जी के ऊपर इस किताब को लिखा गया है, और इनका जो नाम है वो इंडिया चाइना वॉर में देखा जाता है, या फिर इंडिया साइनो बोल लो या फिर इंडिया चाइना वॉर में इनका जो नाम है वो देखा गया था। तो इनके ऊपर ही इस किताब को लिखा गया, इनका डेडिकेशन दिखाया गया, किस तरीके से इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए काम किया, इन सारी चीजों को इसके अंदर दर्शाया गया है। ठीक है, चलो अच्छा, अब बाकी भी तो नाम लिखे थे उनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो RC भार्गव, मैंने आपको बताया था कि इनके द्वारा एक किताब आई है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटेटिव आ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। इसमें बताया गया कि हम लोग कितना ज्यादा अपनी इंडिया की जो कॉम्पिटेटिवनेस है उसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उर्जित पटेल जी के द्वारा एक किताब आई जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट, और ये किसके लिए थी? NPA के लिए, कि किस तरीके से NPA को कंट्रोल किया जा सकता है। राइट, प्रमोद करेक्ट, राइट हाँ एग्जैक्टली 72 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट यार, यू आर टू गुड। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, आई डू वॉट आई डू, तो ये रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई, और आखिरी वाला जो नाम लिखा हुआ था सी रंग राजन जी, इनको अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ, इंडिया और UAE के बीच में 15th नंबर का जो सम्मेलन आयोजित होना है ये अब कब आयोजित किया जाएगा? ये देखो क्या लिखा है, EU लिखा है ना, यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में आयोजन कब से शुरू हो रहा है? तो भैया 15 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। अब देखो है क्या, देखिए
यूरोपियन यूनियन जब हम बोलते हैं तो इसमें अब टोटल कितनी कंट्रीज बची, 27। कौन सी कंट्रीज में से बाहर हो गई, ब्रिटेन इसमें से टाटा बाय कर चुकी है, जिसके लिए एक शब्द यूज किया गया था, वो शब्द यहाँ पे क्या था, ब्रेक्सिट था। देखो यूपी में 3 दिन का लॉकडाउन हो गया है, 13 तारीख तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। अब इसका आप कह लो कि पॉलिटिकल रीजन है या फिर कोविड-19 है, ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। खैर, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स के अंदर लोकेटेड है, यानी कि ये आपको याद रखना है कि नाटो हो चाहे फिर यूरोपियन यूनियन हो, दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो आपको ब्रुसेल्स के अंदर मिलेगा। अब होना ये था कि नरेंद्र मोदी जी को जाना था वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए, कहाँ पर, ब्रुसेल्स के अंदर, बट यहाँ पे कोविड चल रहा है तो ये जो समिट आयोजित करी जाएगी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही शुरुआत करी जाएगी। अब देखो इसमें पार्टिसिपेट या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हेड कौन कौन करेगा, तो देखिए इंडिया की तरफ से इसको हेड कौन करेगा, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी इसको हेड करेंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, पहला पॉइंट तो मैंने बताया कि इंडिया की तरफ से कौन है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल कौन है, चार्ल्स माइकल, इनका अपॉइंटमेंट अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, तो आपसे एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है। और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन अगर पूछा जाएगा तो ये कौन हो जाएंगे, उर्सुला, ठीक है, दोनों नाम याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट नाम है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी बता दिया है, कब से शुरुआत होगी, 15 जुलाई से इसकी शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। अच्छा अब बात यहाँ पे ये आई, तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, देखो इससे प्रॉफिट क्या होगा, यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल 27 कंट्रीज हैं। अब इंडिया को अगर अपने यहाँ का FDI बढ़ाना है, इंडिया को अगर अपने यहाँ का ट्रेड बढ़ाना है, इंडिया को अगर अपने यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो ज़रूरी है ना कि अलग अलग देशों के साथ जब हम मिलके बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, तभी तो यहाँ पे बातें होंगी, और जब यहाँ पे बातें होंगी तभी तो ये जो बातें हैं आगे बढ़ते हुए ट्रेड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे यही काम किया जा रहा है कि अपने ट्रेड को, अपने इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पे ये जो समिट होने जा रही है उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, बात समझ गए। देखो लेट हो गया, लेट मत हुआ करो यार तुम लोग। चलो अगला सवाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंडियन आर्मी के द्वारा इनमें से कौन सा ऐसा ऐप है जिसको बैन नहीं किया गया, जिसको बैन नहीं किया गया, आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी ट्विटर। अब देखिए अभी हुआ क्या, मैंने आपको बताया था कि 79 जो ऐप है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर 69A सेक्शन जो है उसके अंतर्गत सारे के सारे जो ऐप हैं चाइनीज ऐप थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। रीजन क्या दिया गया, हमारी सिक्योरिटी। दूसरा रीजन दिया गया कि जो डेटा है वो चोरी किया जा रहा था चाइना के द्वारा, मतलब चाइना चोर है, अच्छा तो यहाँ पे ये काम किया जा रहा था, फाइन, चलो बात समझ में आती है। अब यहाँ पे इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने बोला है कि इसके अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मतलब इंडियन एयर फोर्सेस में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग टोटल 89 ऐसे ऐप्स हैं जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इवन ये तक बोला गया है कि व्हाट्सएप आप यूज़ तो करो लेकिन लिमिटेड उसका इस्तेमाल आप करिएगा। और इसमें यह भी बात बोली गई है कि अगर आप अपने जॉब से जुड़ी हुई कोई भी डिस्कशन करते हो तो उसको व्हाट्सएप के ऊपर बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। इसमें ज़रा देख लेते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हाइक, ये एक ऐप है ना जिसमें वीडियो कॉलिंग वगैरह भी होती है, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा कि ऐसा जो स्टेटमेंट है या फिर ऐसा जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया गया है, हमारे एयरफोर्स यहाँ पे हमारे जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा। और ये कब से लागू हो जाएगा, 15 जुलाई से इसको लागू कर दिया जाएगा। तब तक आप लोगों के फोन में जितने भी ऐप हैं सबको डिलीट मार दीजिएगा, क्योंकि वी आर इंडियंस, इतना काम तो करना बनता है। आधे कहेंगे मैम व्हाट्सएप के बिना तो जी नहीं सकते, बोल दो तुम लोग, ट्विटर, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलो अच्छा अब यहाँ पे देखो, इंडियन आर्मी हैज बैन 89 मोबाइल, जिसमें देखो भैया तुम लोग का फेवरेट, तुम लोग की जान, तुम लोग की आत्मा, क्या नाम है इसका, पगजी, पगजी को भी पूरी तरीके से बैन करने की बात बोली गई कि मतलब अब इंडियन आर्मी जो है वो पगजी का भी इस्तेमाल नहीं करेगी। जूम कॉल, जिसका इस्तेमाल हर एक इस टाइम पे कॉर्पोरेट, जितने भी कंपनीज वगैरह हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स वगैरह हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके ऊपर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। टिकटॉक तो पहले ही था, स्नैपचैट भी पहले से था, तो ओवरऑल ये ध्यान रखिएगा कि पगजी और जो ट्विटर है उसको छोड़ के जितने भी हैं सबके ऊपर बैन लगा दिया गया। वेल अब आ जाओ न्यूज़ के वन लाइनर पे, पगजी सुन के ना तुम लोग का बस दिल ऐसे निकल के हाथ में आ जाता, हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए, वन लाइनर में सवाल बनेंगे, अपॉइंटमेंट्स क्या हुए पहले हम बता दें। एक होता है हाई कमिश्नर, एक होता है एम्बेसडर, दोनों का काम सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं है। बट अगर कोई ऐसी कंट्री थी जो एक टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनी रहा था यानी कि उपनिवेश रहा था, तो वहाँ पे इंडिया की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं हाई कमिश्नर, लेकिन अगर वो कॉलोनी नहीं रहा था तो वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं एम्बेसडर। अब देखिएगा यहाँ पे डेविड पाइन हाई कमिश्नर ऑफ न्यूजीलैंड, ये कहाँ के हाई कमिश्नर, न्यूजीलैंड के। फिलिप बार्टन हाई कमिश्नर ऑफ UK, ध्यान से नाम सुन लेना भैया, नाम सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और
एकाटोव, इनको एम्बेसडर कहाँ के लिए बनाया गया, उज्बेकिस्तान। तो ये सारे के सारे तीनों नाम याद रखिएगा, कहाँ के हाई कमिश्नर है, कहाँ के एम्बेसडर है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आ जाओ जरा इसमें और चीजें देख लेते हैं। पगजी 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 या पगजी के बिना तो तुम लोग नहीं रहते। न्यूजीलैंड, देखिए अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जो न्यूजीलैंड है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर वन पे है। करप्शन इंडेक्स में देखा जाए तो डेनमार्क के साथ जो नंबर वन पे कंट्री है दैट इज न्यूजीलैंड। यहाँ की जो पीएम है, जल्दी से उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर करो, क्योंकि अभी हाल ही में ये बोला गया था कि जो न्यूजीलैंड है वो पूरी तरीके से कोविड फ्री हो चुका है, लेकिन उसके जस्ट बाद ही वहां पे दो केसेस आ गए थे। और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, वेलिंगटन रहेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम उज्बेकिस्तान बोलते हैं तो उज्बेकिस्तान से याद रखिएगा कि ये एक ऐसी जगह है जो आपको मिलेगी सेंट्रल एशिया के अंदर। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में आपको एक सी देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, एरल सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरल सी नाम रहेगा, प्लीज इसका नाम जो है वो याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में पुट अप होता है यहां से सवाल, राइट? ओके, या देखो मैं तो वैसे भी नहीं खेलती, तो भूल ही जाओ। यहाँ पे जेसिंडा, ये नाम तुम लोग को याद हो गए। एक तो सारा मरीन और जेसिंडा, ये दोनों नाम तुम लोग को बिल्कुल जुबान पे रटे हुए हैं, कह दो हाँ, सच्चाई से बोल दो यस मैम, बिल्कुल रटे हुए हैं मेरे को। चलो अच्छा, अगली न्यूज है ओडिशा से। ओडिशा की सरकार के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम अभी हम आपको बताते हैं, बट ये सुन लो कि इसका काम क्या है। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं BLUIS, अब ये है क्या, देखो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है इसका, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। इसमें क्या होगा, एक ये यहाँ पे सिस्टम डेवलप किया गया है जिसका काम ये होगा कि ओडिशा के अंदर जितना भी लैंड है, जितना भी भूमि का क्षेत्र है, अगर सरकार ये लैंड किसी से भी खरीदती है, मान लो कि किसी किसान की जमीन थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि ये वाली जो जमीन है, ये जमीन आप हमको दे दीजिए, इसके ऊपर हम काम करेंगे और इसके बदले में हम आपको मुआवजा दे रहे हैं। चलो ठीक है, किसान क्या सोचेगा, चलो ठीक है भैया तुम जमीन ले लो, हमको मुआवजा दे दो, या फिर किसी और जगह पे हमको जमीन खरीद के दे दो, यही तो कानून कहता है, ठीक है। ओडिशा ने ये काम किया। अब ये जो लैंड लिया गया है सरकार के द्वारा, इसके ऊपर कितना काम हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये जो है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगा, काफी अच्छी चीज यहाँ पे ये यूज करी जा रही है। इससे पता नहीं क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी, है ना, और एक पारदर्शिता बनेगी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी रहेंगी, और जो भी लोगों को काम दिया गया उनकी जवाबदेही भी यहाँ पे तो तय होगी ना। तो गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए, गवर्नमेंट नहीं बोला है, गवर्नेंस को और ज्यादा बेटर करने के लिए ऐसे इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए जो कि ओडिशा के अंदर किया गया। बहुत ही बढ़िया ये इनिशिएटिव है। तुम लोगों को तो मूवी भी याद होती है, हाँ ये मैं बताने जा रही हूं। अब देखो यहाँ पे ओडिशा के सीएम कौन हो जाएंगे, नवीन पटनायक जी, और इनको अभी रिसेंटली पेटा के द्वारा अवार्ड दिया गया था, हीरो टू एनिमल अवार्ड। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, गणेशी लाल जी। लोकसभा सीट 21 हो जाएंगी, राज्यसभा सीट 10 रहेंगी। कोणार्क सन टेम्पल, जिसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई थी, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। इसके साथ में याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी ओडिशा के अंदर ही किया गया था। चिल्का लेक यहाँ पर लोकेटेड है, और इसके साथ में भितरकनिका नेशनल पार्क, जहाँ पे क्रोकोडाइल के लिए सबसे पहले सेंसस का आयोजन किया गया, ठीक है। अगला देखो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो वन लाइनर के न्यूज है, इसमें ज्यादा कुछ आपको डिटेल में नहीं जाना है, देख लेते हैं एक बार से। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा 6 ब्रिजेस की शुरुआत करी गई, मतलब 6 यहाँ पे ब्रिजेस की शुरुआत करी। भैया क्यों, क्या काम है, देखो इनको बोला गया है ये स्ट्रैटेजिक ब्रिज है। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या होता है, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो हमारी सिक्योरिटी के लिए, उसको हम ये नाम देते हैं। अच्छा मैम क्या होगा इससे, देखो यहाँ पे जो 6 ब्रिज बनाए गए हैं, होता क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जब बर्फ पड़ती है तो जो रास्ते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाया गया है कि अगर हमारी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो वो किस तरीके से जाएगी। तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है ये यहाँ पे डेवलप किया गया है, और इनकी शुरुआत कर दी गई है, कल ही इनकी शुरुआत करी गई है। इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर, नाम क्या है, राजनाथ सिंह जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी लखनऊ रहेगी, और ये याद रख लीजिएगा कि इसके अलावा इसको बनाएगा कौन, तो ऑब्वियसली बात है BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, बात समझे। एग्जैक्टली, गुरुग्राम के अंदर नेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है, बहुत बढ़िया। अब देखो जब मैंने यहाँ पे ये बोली है, ये बात मैंने करी दी है आपसे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, BRO का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर है, ये नई दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है ये।
और इसके अगर हेड पूछे जाएंगे तो हरपाल सिंह जी, कौन? हरपाल सिंह जी बीआरओ के हेड हैं। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। और ये रिपोर्ट किसको करता है? डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये रिपोर्ट करता है। बात समझे? अरे ठीक है भैया, तुम लोग तो मौन बिल्कुल परेशान है, पगजी के लिए परेशान है। अगला देखो, एयर ने यहाँ पे अपना एक नया न्यूज मैगजीन जारी किया है, वो भी कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में, जिसका नाम क्या है? संस्कृत साप्ताहिकी। साप्ताहिकी होता है ना, वीकली, जिसे हम बोलते हैं क्या, वीकली मैगजीन, ये यहाँ पर आई है। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ARI ने किया है ना, तो अब यहाँ पे हर सैटरडे को ये आपको देखने को मिलेगा। कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स की आपको मिलेगा। जो FM चैनल है ना, ऑल इंडिया रेडियो, सबको पता है ना, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी खबर नहीं पता है तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ओपन कर दो, सारी खबरें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको ये जो पूरा वीकली न्यूज है ये आपको मिलेगी। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? वन लाइनर में बोल देंगे, ये लिख के दे देंगे, बोल देंगे किसने लॉन्च किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? AIR के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला, आइवरी कोस्ट, यहाँ के PM और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जिनका नाम क्या है, एमेडू गॉन, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। तो अब आपको याद क्या रखना है कि ये पहले PM के रूप में काम कर चुके हैं आइवरी कोस्ट के अंदर, 2017 तक इन्होंने काम किया था, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अभी इनका जो नाम है वो नॉमिनेट भी किया गया था। अब आपको याद क्या रखना है, आइवरी कोस्ट, तो आइवरी कोस्ट की जो कैपिटल है थोड़ी सी खतरनाक सी है, बट याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे इसको? या मेरे को तो आज तक याद नहीं हुई है, मैं सच्चाई से बताऊं कि मेरे को आज तक से इतना याद है, यम याद है। तो आइवरी कोस्ट से आप याद कर लीजिएगा, यम आइसक्रीम होती है, यम होती है ना, तो आई से हो गया आइसक्रीम और वाई से हो गया यम, तो ऐसे करके भी याद कर सकते हो, जैसे इच्छा हो वैसे याद कर लो। अब यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? एलएसएनई ओटारा यहाँ के प्रेसिडेंट है। करेंसी कौन सी? फ्रैंक है, मैंने आपको बताया था। अफ्रीका की जब हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आइवरी कोस्ट यहाँ है, इधर की तरफ गिनी नजर आ रहा है, ऊपर माली दिख रहा है, इधर की तरफ घाना नजर आ रहा है। तो ये जो आइवरी कोस्ट है या फिर ये पूरा का पूरा अफ्रीका का जो वेस्टर्न साइड है, वो सारी की सारी कंट्रीज अपनी करेंसी को फ्रैंक से किस में कन्वर्ट करने वाली है? इको में कन्वर्ट करने वाली। ठीक है, चलो कोलकाता, ओके, यमराज से मत करो, मतलब अब तो तुम लोग ऐसे रुला दोगे, ऐसे कौन करता है। चलिए अच्छा, अगली न्यूज देखो यहाँ पे, CBDT, CBDT ने एक MOU साइन किया है SEBI के साथ। इसमें क्या बोला गया है? हम आपको सीधे से बताते हैं। देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, SEBI का काम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों के पास डेटा होता है, पूरा का पूरा डेटा होता है ना। तो अब ये क्या करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी को और भी ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए जो डेटा इन दोनों के पास रहता है, उन दोनों लोगों को यहाँ पे आपस में एक्सचेंज किया जाएगा, जिससे क्या होगा, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है उससे कहाँ पे कितना कब इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पर इकट्ठी करी जाएगी। बात समझे? अब देखो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता है, हेडक्वार्टर मुंबई, हेड कौन है? अजय त्यागी जी। CBDT की बात करोगे तो हेडक्वार्टर दिल्ली, हेड कौन है? PC मोदी जी। दिस पॉइंट इज 222 इंपॉर्टेंट, ये वाला नाम याद रखना, ठीक है? क्योंकि जब हम टैक्सेस की बात करते हैं दो तरीके के होते हैं ना, जिसमें GST क्या होता है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये याद रखिएगा। इसके लिए एक बिल आया था 122 और इसके लिए अमेंडमेंट जो है दैट इज 101। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो भैया, नदौन पुलिस स्टेशन कहाँ का है? ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का है, इसको इंडिया का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन बताया गया। अब आपको पता ही है कि यूपी के अंदर क्या चल रहा है, पिछले आई थिंक 4-5 दिनों से एक ही न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, तो उसी के बीच में ऐसी एक न्यूज़ आ गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन की अभी एक लिस्ट जारी करी गई है, उसमें सबसे अच्छा जो पुलिस स्टेशन माना गया है वो हिमाचल प्रदेश का पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, ओके? अब हिमाचल प्रदेश का नाम आया है तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, काफी सारी न्यूज वैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल के अंदर, लेकिन हिमाचल जब भी आएगा तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है, दैट इज स्नो लेपर्ड। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्नो लेपर्ड के लिए जो कंजर्वेशन सेंटर बनेगा वो उत्तराखंड में है, लेकिन वो स्टेट एनिमल किसका है? हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है? और हाँ, हिमाचल की दो कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब अगर ये यहाँ पे पूछा गया पुलिस स्टेशन बेस्ट वाला कौन सा है, तो यहाँ के कोई DGP होंगे, कौन है? संजय कांडू जी यहाँ के DG हैं, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। समझ गए हो भैया? ओके, चलो आज जरा स्टेट पे, तमिलनाडु स्टेट हम लोग देख लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग कैपिटल चेन्नई, और यहाँ के CM कौन हो जाएंगे? इदापादी, और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं DMK पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। भैया सेशन के लास्ट तक रहना, एक अनाउंसमेंट भी करना, बिल्कुल धमाकेदार अनाउंसमेंट है,
यहाँ की विधानसभा में कुल सीटें 235 हैं, यहाँ पे लोकसभा में सीटें 39, राज्यसभा में 18, और जिले कितने हो गए, ये बढ़ गए 38 हो गए। रिवर यहाँ पे कावेरी रिवर मिलेगी और वैगई, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। मेथो डैम यहाँ पे मिलेगा और भवानी सागर डैम लोकेटेड है। MA यहाँ पे देखो चिदंबरम है, चिन्ना स्वामी चला जाएगा बेंगलुरु और चिदंबरम पूछा जाएगा तो तमिलनाडु। यहाँ पे पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जलीकट्टू फेस्टिवल भी यही पोंगल के अंदर ही एक दिन को हम लोग जलीकट्टू फेस्टिवल के रूप में भी जानते हैं। मुकुर्दी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी और यहाँ पे गोइंडी और गल्फ ऑफ मन्नार, ये नेशनल पार्क जो है ये आपको कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु के अंदर। और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जिसका नाम क्या है, कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप देखो पहले तो जान लो होमवर्क क्या है, पहले बताओ हाउ वाज द सेशन, फिर हम बताते हैं कि आज का प्रॉपर एक अनाउंसमेंट क्या है। धमाकेदार अनाउंसमेंट है तो आराम से बैठ के 2 मिनट सुन लो। और हाँ, 8 बजे आप लोगों को एक वीडियो भी मिलेगा, शॉर्ट वीडियो, वो भी देख लेना, मैं टेलीग्राम पे उसको शेयर कर दूंगी। ये है होमवर्क पहला फॉर द UPSC, ये होमवर्क है आपका जो सभी लोगों को करना है। तो 3 सवाल हैं, कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखना, आप में से जितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं कर पाए हो मेरे फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए, इसी क्लास के वीडियो के जस्ट नीचे 8:15 बजे आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे कमेंट बॉक्स होता है ना, जहाँ पे सब लोग कमेंट लिखते हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहला एक कमेंट मिलेगा वाईफाई स्टडी के नाम से। उस पर लिखा होगा फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पे पहुँच जाओगे। ठीक है, क्यों बताया है आपके सामने, घटना चक्र का सार, यानी कि घटना चक्र एक ऐसी किताब है जो स्टेट लेवल एग्जाम और बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। इसका जो GS का पोर्शन है वो आपके लिए फ्री स्पेशल क्लासेस में है। जिन्होंने अभी तक प्रॉपर बेसिक से GS को पढ़ने के लिए बैच ज्वाइन नहीं किया है, टाइम इज रनिंग, टाइम खत्म होता चला जा रहा है। 15 जुलाई को ये बैच शुरू होने जा रहा है जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी आएगा, उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। मतलब GS का एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। इस बैच को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है, Kriti10 कोड आपको यूज करना है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये आप हर एक एजुकेटर का देख पाओगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आप इसका नहीं देख पाओगे। और अभी 8 बजे का वीडियो, टेलीग्राम पे फटाक से पहुंचो, हम लिंक शेयर कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।